सिविल लाइंस थाना व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 12 मई को एक होटल से हुई लाखों की चोरी का खुलासा मंगलवार को कर दिया है। टीम ने अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से असलहामय कारतूस और चोरी लाखों का सामान बरामद हुआ है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने खुलासा करने वाली टीम को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से 25,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित बोरा थाना क्षेत्र के कड़िया गांव निवासी जैकी कुमार सांसी, इसका पड़ोसी कुणाल कुमार, कोहिनूर सांसी, संतोष कुमार सांसी एवं संरक्षण देने के आरोपित नैनी कोतवाली क्षेत्र के चक रघुनाथ निवासी रामू पटेल को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला थाना सिविल लाइन जिला प्रयागराज का है। इसमें विगत 12 मई को जिले के विख्यात काना श्याम होटल में घटना हुई थी, जिसमें एक सगाई समारोह में जेवर से भरा बैग और नकदी से भरा बैग पार कर लिया गया था। इस घटना के खुलासे के लिए 5 तेज तरार टीमें SPCT और सर्विलांस स्वाट के नेतृत्व में लगाई गई थी। इन्हें बड़ी सफलता मिली है और इस मामले में एक अंतर्राज्यीय यानी कि इंटर स्टेट गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इस गैंग में 9 सदस्य हैं, जिनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से चोरी गया डायमंड का सेट, पूरा सोने का पेंडल सेट, साथ ही साथ चांदी का पायल, हीरे की अंगूठी और करीब 69,000 रुपये नकदी पुलिस ने बरामद किए हैं, जो लगभग 100% बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त आल्टो कार के साथ साथ 7 अदद मोबाइल फ़ोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इनसे पूछताछ में बात सामने आई है कि इस गैंग का जो सरगना है जैकी, उसकी नानी बीना बाई, जो ज़िला राजगढ़ मध्य प्रदेश की रहने वाली है, उसके द्वारा पहले यह गैंग संचालित किया जाता था। बीना बाई के द्वारा इस पूरे गैंग को ट्रेनिंग दी गई थी। मौजूदा समय में बीना बाई की उम्र ज़्यादा होने के कारण गैंग का संचालन जैकी कर रहा था। इस समय गैंग में 9 सदस्य हैं, जिनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया है। इनकी मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो ये किसी ज़िले में किराए पर कमरा लेके रहते थे। प्रयागराज ज़िले में थाना नैनी क्षेत्रांतर्गत ये कमरा किराए पर लेके रहते थे। पंकज सिंह का नाम सामने आया है। पंकज सिंह और रामू पटेल, उनके मकान में ये किराए पर रहते थे। 5,000 रुपया किराया था। साथ ही साथ जो भी घटना करते थे उसमें जितना भी माल मिलता था उसका 20% मकान मालिक को जाता था। इस तरह का इनका मोडस ऑपरेंडी था। गिरोह की सरगना जैकी की नानी मीना बाई और संगीता, राजेंद्र कुमार एवं शहर के नैनी चक रघुनाथ निवासी भूपेंद्र सिंह फरार है। अभियुक्तों के पास से कन्हा श्याम होटल से 12 मई को चोरी हुए हीरे का हार, अंगूठी, पायल, आईफोन, 69,000 रुपए नकद, 7 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त कार सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बदमाशों ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में घटना कारित करना बताया है। पूछताछ में बात सामने आई है कि राजस्थान के भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र अंतर्गत, आगरा में, मथुरा में, साथ ही साथ प्रयागराज में और इसके अलावा ये मध्य प्रदेश के भोपाल में, उज्जैन में, राजगढ़ में, नरसिंहपुर इलाकों में कई जगहों पर घटनाएँ कर चुके हैं। पूरे जोन के अंतर्गत जोनल हमारे ADG महोदय के द्वारा जांच कराई जा रही है। जहां जहां भी घटनाएं किए होंगे उनका खुलासा किया जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि इस बड़ी सनसनीखेज घटना जो कान्हा श्याम होटल में घटी थी, उसमें सभी गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके लगभग 100% बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस की व्यावसायिक दक्षता पे खुश होकर के हमारे ACS होम महोदय के द्वारा इस पूरे टीम को 1 लाख रुपये के नकद इनाम से नवाजा गया है। आगे फॉलो अप कार्रवाइयाँ इस पर जारी रहेगी ताकि इसके पूरे गैंग को नेस्तोनाबूद करते हुए इनको जेल भेजा जा सके और इस तरह की घटनाओं में कमी लाई जा सके। कुछ पुलिस वो लोग जिस इलाके में घटना करते हैं वहाँ पर किराए का रूम लेकर पहले रहते हैं, वारदात के बाद रूम को खाली कर फरार हो जाते हैं। अपराध करने के तरीके की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि किराए पर कमरा लेकर रहते थे, ये दिन में रेकी करते थे और जहाँ भी गेट की सजावट फूलों से हो रही होती थी, अच्छी सजावट हो रही होती थी, तो सजावट करने वालों से ये पूछ लेते थे
कि यहाँ कौन सा प्रोग्राम है, किसका प्रोग्राम और कितने बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। उसके बाद ये अपने कमरे पर लौट जाते थे। उसके बाद नहा धो के तैयार होके शूटिंग शर्टिंग पहन के, सूट बूट पहन के, बिल्कुल क्लास की तरह वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करते थे। सही समय पे आ जाते थे पार्टी में और घुल मिल जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये अपनी पैठ बना लेते थे। उसके बाद जहाँ भी, चाहे कोई पुरुष हो या महिला हो, जो मुख्य उसमें आदमी होता था, महिला या पुरुष, उसके हाथ में ये जेवर या रुपये से भरा बैग देखते थे, उसको निशाना बनाते थे। बहुत जल्दी एक घंटे के अंदर उस बैग को ये पार कर जाते थे। इस तरह का इनका कार्यप्रणाली था। और ये कार का भी इस्तेमाल करते थे। पहले कार से आते थे, कार को 2 किलोमीटर दूर खड़ी कर देते थे। उसके बाद ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या टेम्पो के माध्यम से होटल या मैरिज हॉल तक पहुंचते थे। उसके बाद घटना को अंजाम देकर फिर वापस जाते थे और उसके बाद उसी कार से ये लौट जाते थे।